नमस्कार, मैं ऋषि अग्रवाल आप सभी का विरल टाइम्स में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप पहुँचे हैं लखनऊ के उदासीन आश्रम। ये आश्रम लखनऊ के चौक चौपटिया में स्थित है। ये आश्रम अगर जाने तो ये कम से कम 400-500 साल पुराना आश्रम है। तो आइए इस आश्रम के अंदर देखते हैं कि यहाँ लोगों से, यहाँ पर रहने वाले लोगों से बात करते हैं कि इस आश्रम के बारे में क्या क्या खासियत वो हमको बता सकते हैं, उसकी कहानियाँ क्या हैं, उसके इतिहास क्या है। और साथ ही आपको एक और चीज़ बता दें, ये आश्रम यहाँ पर आने वाले जो यहाँ पर कभी कभी रहने लोग आते हैं उनके लिए निःशुल्क खाना भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देता है। साथ ही यहाँ पर रोज़ सुबह शाम भगवान की आरती और सब कुछ होता है। आइए इस आश्रम के अंदर हम देखते हैं। आज हम लोग हिंदू धर्म को लेकर उनके आश्रम, मंदिर, इन सब के बारे में जानकारी लेने आए हैं। तो आप अपने आश्रम के बारे में हमको इसका इतिहास एक बार। नमस्कार, मेरा नाम मोहन है और मैं श्री उदासीन आश्रम संदोहन देवी मंदिर, जहाँ पे आप लोग इस समय आए हुए हैं, मैं यहीं पे रहता हूँ, यहाँ पे पूजा अर्चना करता हूँ। और जिस आश्रम में आप बैठे हैं, ये भगवान श्री चंद्र जी महाराज की स्थापना के द्वारा यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। और ये आश्रम आज से करीब 450 साल पहले स्थापित किए गए हैं। समय समय पर इनका अलग अलग राजाओं के द्वारा, फिर कई और लोगों के द्वारा इनका पुनर्निर्माण कार्य किया गया है। और श्री उदासीन आश्रम में अगर हम इसके इतिहास के बारे में जानना चाहें तो ये इतिहास श्री गुरु नानक जी से शुरू होता है। श्री चंद जी महाराज जो हैं वो श्री गुरु नानक जी के पुत्र रहे हैं, उनके छोटे पुत्र रहे हैं। तो उनके द्वारा संगतों की स्थापना की गई थी। और उदासीन आश्रम का इतिहास ये रहा है कि श्री चंद जी महाराज ने अपने समय में, जब उस समय सनातन का पतन हो रहा था, तो सनातन के पतन को बचाने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। जहाँ जहाँ पर उन्हें ये लगा कि सनातन की स्थिति ठीक नहीं है, कई सारी समस्याएं रही हैं, तो वहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे आश्रम, बड़े आश्रम, संगतों की स्थापना करी, ताकि सनातन के सभी लोग एक साथ आकर के अपनी समस्याओं को मिल करके सॉल्व कर सकें, उनका उनमें सुधार कार्य कर सकें। और श्री चंद जी महाराज जी का एक मूल उद्देश्य यह रहा कि जहाँ पर भी, जिस जगह पर भी लोग उनसे या उनके द्वारा किए गए कार्यों से परेशान रहे हैं, कभी भी परेशान रहे हैं, तो उन सबको मिलकर के सुधार कार्य किया। उन्होंने हमेशा से काम किए हैं और आज भी निरंतर, आज 450 साल पुराने आश्रम स्थापित हुए और आज भी ये। इस समय हम आप आश्रम के सामने वाले मंदिर में, जहाँ आश्रम वालों ने बताया कि ये एक कुंड है जहाँ से 100 साल से भी पहले एक माता जी की मूर्ति निकली थी, जिसके बाद से आश्रम की सेवा यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। तो आइए वो माता जी की मूर्ति हम देखते हैं और इस मंदिर के बारे में और जानते हैं। अभी हमने आपको वो जो कुंड दिखाया जहाँ पर माता जी की मूर्ति जहाँ से प्राप्त हुई थी, तो ये माता जी का वो पट है जो फिलहाल बंद है, जो शाम के 4 बजे और सुबह 6 बजे खुलता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमको बताया कि जिन महाराज जी के हाथों वो मूर्ति निकली थी, उन्होंने यहाँ पर माता जी का स्थापना करके यहाँ पर स्वयं समाधि ले ली। आज भी ये माता जी के पट सुबह 6 बजे और शाम को 4 बजे भक्तों के लिए खुलते हैं कि वो आके माता जी के दर्शन कर सकें। आप देख सकते हो ये मंदिर कितना सुंदरता से बनाया गया है, इसकी एक एक चीज़ में सुंदरता है। साथ ही मंदिर में साफ सफाई यहाँ रहने वाले पंडित लोग ही करते हैं। यहाँ पर सारा काम, सारा मंदिर की सेवा आश्रम और मंदिर में रहने वाले लोग ही करते हैं। आप माता जी का पट भी अगर आप देखो तो साफ़ सफाई, दरवाजे पे उसकी कलाकारी उतने ही सुंदरता से की गई है जितनी सुंदर माता जी की यहाँ से मूर्ति मिली है। साथ ही इस मंदिर में राम दरबार भी स्थापित किया गया है, जहाँ पर सुबह शाम श्री राम जी की पूजा की जाती है। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर माता जी की मूर्ति प्राप्त हुई थी कुंड से, साथ ही जिन साधु ने ये प्राप्त की थी उन्होंने इनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद खुद समाधि ले ली। ये संदोहा देवी मंदिर काफ़ी साल पुराना है, जो कि पुराने लखनऊ में स्थित है। हिंदू धर्म का एक बहुत ही पुराना मंदिर है, लेकिन हिंदू धर्म के कम ही लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं। और यहाँ की सेवा, यहाँ की साफ़ सफाई, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर बने आश्रम के साथ ही ये मंदिर का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। मंदिर को उतनी सुंदरता से बनाया गया है जितनी सुंदर यहाँ से माता जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ऋषि अग्रवाल, कैमरामैन अभिजीत गौर के साथ अविरल टाइम्स।